नीम करोली बाबा, जिन्हें प्यार से महाराज जी के नाम से जाना जाता है, एक पूजनीय भारतीय संत थे जिनकी गहन बुद्धि और असीम प्रेम ने अनगिनत भक्तों के जीवन को बदल दिया। अपनी उज्जवल उपस्थिति और सरल शिक्षाओं के साथ उन्होंने धर्म और संस्कृति की सभी बाधाओं को पार कर लिया, लोगों को आंतरिक शांति और दिव्य प्रेम की ओर मार्गदर्शन किया। उनके चमत्कार, करुणा और ईश्वर से गहरा जुड़ाव दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करता रहता है। उनके आशीर्वाद से आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रेम, विश्वास और समर्पण की यात्रा बन जाता है। उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जिन पर उनकी कृपा का प्रभाव पड़ा है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते लगे थे। बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, जब टिकट चेकर आया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन नीब करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें सम्मान ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी, तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा का समाधि स्थल भी है। यहां बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहां हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑन एफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कम्बल नाम से एक घटना का जिक्र है। एक भक्त की कहानी में भी इसी तरह का एक किस्सा है। इसके अनुसार महाराज जी को पास के एक गांव में जाने की आदत थी। एक शाम नीम करोली बाबा एक भक्त के घर आए जहां वह अक्सर भोजन करते थे। इस समय घर की मालकिन फूट फूट कर रोती हुई बाहर आई और बोली, जो तुम्हें खाना खिलाता था वह वहीं पड़ा है। वह मृत अवस्था में उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करने आए थे। महाराज जी उस आदमी के पास बैठ गए, अपने कंबल का एक हिस्सा उस आदमी के शरीर पर डाल दिया और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगे। कुछ देर बाद महाराज जी उठे और कहा कि वह जाकर अपना भोजन कहीं और करेंगे। किसी ने भी उन्हें रोकने के बारे में नहीं सोचा। महाराज जी के चले जाने के बाद वह व्यक्ति नींद से उठकर बैठा और बोला, मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ। हर कोई इतना चकित था कि कोई भी उत्तर नहीं दे सका। रामदास ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे, वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था। घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे, ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती।
वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग एक माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जा आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगाजल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह बताया जाता है। अगर आपको बाबा नीम करोली की ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो कर ले और आगे कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताएं।